जी भाई साहब, पहले गाने को करते हैं बंद। तो बेसिकली अभी हम चल रहे हैं साना घाघरा बड़ घाघरा। फिलहाल अभी हम केवंझर से करीबन 23 किलोमीटर दूर है। एंड उस तरफ से साना घाघरा कितना दूर होगा छोटू भैया? उधर से 4-5 किलोमीटर केवंझर से। अच्छा, और बड़ घाघरा? बड़ घाघरा शायद 10 किलोमीटर आई थिंक। आज अभी शाम हो चुका है, शाम के 3:40 हो चुका है। तो बस आज यही दोनों घूमेंगे और कुछ नहीं घूमना, और फिर वापस ही आ जाएंगे। जो भी बचेगा कल घूमेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी मूव ऑन होते हैं केवंझर की तरफ। So this road is connected to this NH, and इसका ये कौन सा NH है अभी बोलते हैं। फिलहाल बारिश शुरू हो चुका है। मैं जैसे कि प्लान कर रहा था ड्रोन फ्रोन वगैरह उड़ाएंगे, लेकिन नहीं लगता कि ड्रोन उड़ा सकते हैं। फिलहाल चल रहे हैं, पहले कहाँ जाएंगे? साना घाघरा। पहले जाएंगे साना घाघरा एंड आपको दिखाएंगे मज़ेदार व्यूज। भाई साहब, आगे जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, बस वो यहाँ का प्रूफ है कि व्यूज कैसे आएंगे। एंड बादल आगे पूरे तरह से भरपूर है, बस बारिश ना हो जाए हम वापस आने तक। आने के बाद बारिश हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। फिलहाल चलते हैं। रोड्स के बारे में बात करें तो रोड काफ़ी अच्छा था, इसलिए लोग 100-120 में चला रहे हैं, और ऐसे ऐसे कट मार रहे हैं कि क्या बताऊं। अभी हम जाते वक्त एक I-20 वाले भैया ने ऐसा कट मारे कि और बोलने के लिए कुछ नहीं है। और बीच बीच में गड्ढे वड्ढे हैं, वो ठीक है, वो होना चाहिए, नहीं तो 100 के बदले 150 लग जाएगा। बेसिकली अभी हम जा रहे हैं OMC की तरफ। ये जो साना घाघरा है ये बिल्कुल OMC के पहले है। तो ऐसा धूल मिट्टी यहाँ पे भाई, ओहो। यहाँ पे अगर भाई आप महीने में एक बार एयर फिल्टर साफ नहीं करवाएंगे ना, तो गाड़ी का जो हालत होगा। सो बेसिकली दिस इज द व्यू ऑफ साना घाघरा वाटरफॉल। वो इसका फ्रंट का व्यू है, एंड ये साना घाघरा का एंट्री गेट है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। फॉरेस्ट के बीचों बीच है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड हम भैया ड्रोन उड़ाते उड़ाते आगे चले गए थे। ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। एंड वहाँ अमित भैया और दिकलू खड़ा है, वो दोनों मज़े से ड्रोन उड़ा रहे हैं, और हम आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। यहाँ आपको खाने पीने का बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, एंड ये पार्किंग है। फिलहाल यहाँ का नज़ारे का व्यू तो आप देख ही लिए होंगे, एंड हम आपको इसी हमारा छोटा सा कैमरा से और थोड़ा इस खूबसूरत सा व्यू को निखारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यहाँ बोटिंग भी होता है, मैं एक बार आया था तो पता है। एंड यह है साना घाघरा, एंड यहाँ पे होता है ये सारा बोटिंग एंड बस।
अरे तू कहाँ चल गई थी रे, कितना घूमते है, चल तू कार के अंदर चल, हम चलते हैं घूमने। अच्छा तो फिर चलो ठीक है, तू कार के अंदर अभी नहीं जा सकती, अमित भैया ने मना किया। हाँ तो भाई साहब, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, बैक वाला हिस्सा और कुछ है जो कि आपको दिखाने के लिए हम चल रहे हैं। चलिए तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये साना घाघरा का व्यू है एंड भाई क्या गजबदार वाटरफॉल है, क्या तेजी से पानी आ रहा है। वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ सीढ़ी पे भी पानी चल रहा है, यानी कि अभी भैया बारिश का मौसम है तो पानी बहुत तेज है और देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए सुपर धासु वाला प्लेस है। तो आते रहिए, यहाँ पे एंजॉय करते रहिए। बेसिकली ये यहाँ का एक फेमस प्लेस है जो कि साना घाघरा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा टाइम होता है ख़त्म, ड्रोन हो चुका है पैक एंड वी आर रेडी टू मूव बड़ो घाघरा। तो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 4:30, 4:35, 4:50 के करीबन। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पानी आ रहा है यहाँ पे, तो चलते हैं, यहाँ ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी और आ गया तो बह जाएंगे, तो निकलते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने के लिए चीज़ है एंड हमारे लिए यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से वापस ही चलते हैं। भाई अभी तो खेलने का टाइम ही नहीं है क्योंकि हमें जाना है बड़ घाघरा। चलिए